तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एक न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आईफोन 11 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस आईफोन 11 जो 2022 के अंदर, क्या हम लोग को ये गेमिंग के लिए लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारे जन जो बोल रहे हैं कि आईफोन 11 नहीं लेना चाहिए या फिर कोई और एंड्रॉयड फ़ोन ले लो सेम प्राइस के अंदर, लेकिन आईफोन 11 मत लो क्योंकि वो पूरा वेस्ट मनी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग गेमिंग करने जाओगे तो गेमिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप कर रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे जन ये सब वीडियो बना रहे, तो इस वीडियो मतलब यही टॉपिक के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना गाइज पूरा फेक बनाया जा रहा है। मतलब बहुत सारे जन है ना फेक वीडियो भी बना रहे, और बहुत सारे जन ऐसा नॉर्मली भी बोल रहे कि भाई बहुत ज़्यादा गंदा फ्रेम ड्रॉप कर रहा है फ़ोन अच्छा नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग का बैटरी बैकअप है पहले से बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, तो ये सब बोल रहे मतलब वीडियो के अंदर। और उनके इसमें अच्छा खासा रिस्पांस भी आ रहा है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप लोग देख लेना। तो वो लोग बोल रहे कि भाई आईफोन 11 मत लो इसके अंदर। सो गाइस देखो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे कि आपको आईफोन 11 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए गेमिंग के लिए, क्योंकि आईफोन 11 जो हम लोग को 35,000 के अंदर मिल जाता है। अब आप लोग बोलोगे भाई 35,000 के अंदर कैसा मिलता है, ये तो भाई 45,000 से स्टार्टिंग है, चाहे हम लोग अमेजोन से ले लें या फिर फ्लिपकार्ट से ले लें। अब गाइस देखो इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे 35,000 के अंदर आपको मिलता है ये मिलता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आईफोन जो 11 है या फिर कोई भी कौन सा भी आईफोन रेंज दो, क्योंकि हम लोग जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो सेल रहता है वो बीच बीच में आते रहता है, और तभी हम लोग को 35,000 के अंदर मिल जाता है। हम लोग को इजीली 35,000 के अंदर आईफोन 11 है 64 GB, वो हम लोग को बेस वेरिएंट जो है वो मिल जाता है। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि कैसे लेने का है कैसे क्या करने का है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे कि 35,000 के अंदर कैसे लेने का, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अंदर खुद वो लोग बता देते कि कैसे कैसे क्या लेने का। तो इतना कुछ हम लोग बात नहीं करेंगे किसे मतलब इतने कम प्राइस के अंदर कैसे लेने का। तो नॉर्मली सब लोगों को पता है कि 35,000 के अंदर हम लोग को अभी आईफोन 11 मिल जा रहा है 2022 के अंदर, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसका प्राइस कम हो जाएगा जब आईफोन 14 लॉन्च हो जाएगा, इसी साल के एंड पे हो जाएगा 14 लॉन्च, तो तभी इसका भी प्राइस और भी कम हो जाएगा। तो 2022 के अंदर क्या हम लोग को आईफोन 11 लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि भाई गेमिंग के लिए अगर आप लोग ले रहे हो 35,000 वेस्ट कर रहे हो तो कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लो जिसके अंदर आपको 90 FPS मिल जाएगा। सो गाइस देखो अगर आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मतलब एक 90 FPS एंड्रॉयड वाला और 60 FPS अपना आईफोन iOS डिवाइस का, तो आप लोग एकदम गलत सोच रहे हो कि उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। देखो एंड्रॉयड के अंदर कितना भी ज़्यादा 90 FPS दे दो, हाई रिफ्रेश रेट दे दो, 144Hz का डिस्प्ले दे दो, लेकिन वो सब का कुछ भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। हाँ आपको बस टच विच का जो भी आप लोगों स्क्रीन के अंदर है बहुत मज़ा आएगा, एकदम स्मूथ जैसे मक्खन जैसा लगेगा, ऐसा स्क्रॉल वेल बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग गेमिंग की तरफ जाएगा, जैसे गेमिंग के अंदर अभी BGMI के अंदर हम लोग को जो आईफोन 11 के अंदर हम लोग को HDR+ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है, और जो हम लोग को जो एंड्रॉयड के अंदर जो भी 35,000 या फिर 45,000 तक के बीच में जो भी आता है 40,000 के बीच में आता है, तो उसके अंदर भी हम लोग को 90 FPS मिल जाता है और HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग को 90 FPS मिल रहा है अगर गेमिंग के लिए एंड्रॉयड के अंदर, तो हम लोग को एंड्रॉयड के अंदर जाना चाहिए, जैसे OnePlus हो गया और भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो भी हम लोग को 90 FPS देते हैं 45,000 के अंदर। सो गाइस देखो चाहे कितना भी 90 FPS दे दो, लेकिन उस एंड्रॉयड का कितना भी 90 FPS दे दो, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता यहाँ पे। जो भी आपका जो स्टेबल FPS है 90 FPS वो आपको नहीं मिलता, लेकिन और स्टेबल FPS 90 FPS में ही क्या, 60 FPS में भी आपको जो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का गेम प्ले रहता है उसके अंदर भी आप लोगों को नहीं मिलता है। उसमें जैसे ही आप लोग इधर कोई रश करता है या फिर बहुत सारे बंदे एक साथ में आ गए या फिर कॉम्पिटिटिव खेल रहे या फिर कॉन्करर पुश कर रहे हो ना, तो आप लोगों को एंड्रॉयड के अंदर एकदम हाई लेवल मतलब एकदम गेमिंग फ़ोन भी ले लो तो उसके अंदर आपको फ्रेम ड्रॉ या फिर रेंडर प्रॉब्लम बहुत सारे ये सब दिखता ही है। तो इसलिए एंड्रॉयड कभी भी आईफोन को बीट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि iOS का जो परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव खेल लो, कितना भी हैवी से हैवी टास्क कर लो, लेकिन यहाँ पे आपको गेमिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे एकदम आपको 60 FPS कॉन्स्टेंट मिलेगा। देखो जो भी ये बोल रहे हैं कि एंड्रॉयड मतलब iOS मत लो, आईफोन 11 मत लो, एंड्रॉयड ले लो 35,000 के अंदर या फिर 40,000 के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा मिल जाएगा, उसके अंदर स्टोरेज भी अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो आईफोन 11 लेके फ़ायदा नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है तो इसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो चुका है अभी, और बहुत सारे चीज़ बोल रहे जिससे मतलब आईफोन 11 को थोड़ा सा हेट मिल रहा था बीच में बहुत सारे। अभी आप लोगों को पता नहीं, लेकिन जो भी आईफोन 11 के वीडियो देखते जो भी नए नए लेने वाले थे तो उनको पता है कि बहुत सारे वीडियो भी ऐसे आए थे, और बहुत सारे वीडियो अभी तो मैंने देखा है कि डिलीट भी हो चुके, तो आप लोगों को शायद से मिलेगा नहीं। तो देखा इस देखो मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, अगर आपको गेमिंग के लिए आईफोन 11 लेने का है 2022 के अंदर, तो मैं बोलूँगा आग बंद करके ले लो। आप जो भी वीडियो देखते हो ना कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आईफोन के अंदर ये प्रॉब्लम है,
तो बिल्कुल भी उनका मत सुनना, क्योंकि आईफोन के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके अंदर आप लोगों को एकदम मस्त गेमिंग का एकदम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप लोग देखो गेमिंग करते हो ना और आपका जो बजट है वो 35 से लेके 40 के बीच में है, तो मैं बोलूँगा आप लोग आईफोन 11 की तरफ जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। क्योंकि अपना जो एंड्रॉयड का कैमरा रहता है वो इतना भी कुछ खास नहीं देता, लेकिन जो आईफोन 11 के अंदर आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑलराउंडर फ़ोन मिलेगा। गेमिंग हैवी से हैवी कर लो, यहाँ पे आपको चार्जिंग को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे चार्ज थोड़ा स्लो हो जाता है और थोड़ा सा कम चार्ज टिकता है यहाँ पे एंड्रॉयड के मुकाबले जो भी यहाँ पे आता है आपको, जो भी वन प्लस ये सब जो भी फ़ोन आता है 40,000 के अंडर, तो उनसे थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा आईफोन 11 के अंदर। बस यही इसका ड्रॉबैक है, बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस से लेके कैमरे से लेके डिस्प्ले से लेके कोई भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और जो आईफोन के अंदर टच है ना, यहाँ पे कम सब कुछ, यहाँ पे नंबर सब कुछ कम देते हैं लेकिन इन लोग, लेकिन इनका जो है ना जो काम है वो सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एंड्रॉयड के अंदर बोलते हैं कि 240 हर्ट्ज़ का टच रिस्पॉन्स ये सब बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को फिर भी टच प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन के अंदर ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि भाई आईफोन ही होता है और आईफोन एक नेक्स्ट लेवल का वाला चीज़ है। और अगर आप लोग को कोई भी मतलब वीडियो के अंदर बोल रहा है कि आईफोन मत लो एंड्रॉयड ले लो सबसे बेस्ट रहेगा, तो उनका बात बिल्कुल भी मत सुनना। आईफोन 11 ले लो आप लोग आग बंद करके 2022 के अंदर और 35,000 के अंदर, इससे अच्छा आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलने वाला। स्मार्टफोन चाहे आप कोई भी ले लो आपको नहीं मिलने वाला, एंड्रॉयड तक भी इसके मतलब टिक नहीं पाएगा कोई भी आईफोन 11। मेरे को पता है कि आईफोन 11 थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको अभी भी कोई भी बीट नहीं कर पाएगा इसका परफॉर्मेंस को लेके, कैमरे को लेके 30,000 के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन भी आते हैं, लेकिन आपको पता है कि एंड्रॉयड कितने एक दो साल के बाद हक देता है, लेकिन यहाँ पे आईफोन भाई का जो परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल रहता है। और अभी भी देखो अभी भी के टाइम के अंदर ही आप लोगों को जो कैमरा मतलब आईफोन 6 आईफोन 5s अभी भी बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। मुझे पता है कि यहाँ पे बंद हो चुका है आईफोन 6 ये सब, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिकता है। अगर आप सोच लो अगर इतना पुराना फ़ोन अभी भी बिक रहा है तो समझ लो कितना ज़्यादा डिमांड है इस फ़ोन का आईफोन का। तो ये जो बोलते हैं ना कि आईफोन मत लो आईफोन बेकार है 35,000 के अंदर आईफोन 11 ये सब नहीं लेना चाहिए, तो उनका मत सुनना। उनको बोलना भाई अगर आईफोन बेकार ही होता तो इतना 7 साल पुराना 5 साल पुराना ये सब फ़ोन अभी बिकता भी नहीं था। और एंड्रॉयड का मेरे को कोई फ़ोन बता दो जो इतना पुराना बिकता है यहाँ पे। हाँ एकदम महंगा फ़ोन सेकंड हैंड पे बिकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आईफोन के जैसा मतलब है ही नहीं। आईफोन 6, 6X, 7 अभी भी बिकता है यहाँ पे, नया भी बिकता है। अभी नया का पता नहीं मेरे को यहाँ पे ठीक से, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जन नया भी लेते, अब यहाँ पे सेकंड हैंड भी मिलता है नया भी मिलता है, लेकिन सब लोग क्या करते ले लेते हैं। अगर सेकंड हैंड भी लेना रहेगा ना इतना देखते नहीं है, ले लेते उन लोग, क्योंकि पता है कि आईफोन ही होता है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है उसका कैमरा भी अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग सोच रहे थे कि गेमिंग के लिए आपको अगर आईफोन 11 लेने का था, लेकिन आपको कोई वीडियो के अंदर बोल रहा है कि आईफोन 11 मत लो ये प्रॉब्लम है ये सब है गेमिंग के अंदर ये सब देता है हक देता है, और आईफोन 12 ले लो इससे अच्छा आईफोन 12 अच्छा है, देखो आईफोन 12 बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका जो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे, कहाँ 35,000 कहाँ 50,000 65,000 तक चला जाता है वो आईफोन 12। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 35,000 के अंदर फ़ोन चाहिए ना तो आईफोन 11 से बेटर और कोई भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी बोलता है कि आईफोन 11 नहीं लेना चाहिए तो उनका बात मत सुनना, आईफोन 11 एकदम ले लो, एकदम बेस्ट फ़ोन है गेमिंग के लिए। और ये फ़ोन आपको 3 साल तक आराम से गेमिंग करा के देगा, नो फ्रेम ड्रॉप नो कुछ भी। अभी यहाँ पे 90 FPS आ चुका है आईफोन के अंदर, लेकिन आईफोन के अंदर भी यहाँ पे स्टेबल 90 FPS नहीं मिलता यहाँ पे, तो 60 FPS ही अभी सबसे बेस्ट है और 60 FPS सब लोग खेलते हैं। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जो भी पूछना है पूछ देना। सो मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।